सो व्हाट्स अप माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, क्या ही नज़ारा है यार आगे का। तो अभी हम लोग जस्ट यहाँ पहुँचे हैं दीघा घाट, पटना दीघा घाट में। तो आप लोग जो भी पटना से, आप लोग तो जानते ही होंगे। तो मैंने ये सोचा कि आज इसी पे एक वीडियो बना लेता हूँ, क्योंकि यार ये नहीं देखा तो क्या देखा, पटना में ऐसी जगह बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो अभी चलते हैं, अभी मुझे आपको और भी जगह दिखाना है। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट जगह पे, थोड़ा सा दूर उस पुल के पास चलते हैं। आज जो आपको दिख रहा है वो पुल, वही है दीघा घाट का पुल, जो कि 7 किलोमीटर का लंबा पुल है। 7.5 का है एग्जैक्टली, नहीं पता कितना लंबा पुल है। तो पहले आप गाड़ी घुमा लेते हैं स्टार्ट करके, चलो। तो अब चलते हैं ऊपर, देखते हैं ऊपर से क्या दिखता है, कैसा दिखता है नज़ारा। ओहो, मिट्टी आ गए यार, बहुत ही फिसल रहा है बाइक। तो पहले ऊपर चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। हम लोग उधर जाने वाले हैं ना, उधर ही चल के दिखाएंगे। चल जा भाई, चल जा, फिसल क्यों रहा है, चल चल चल। तो ऊपर आ चुके हैं, अब चलते हैं आगे, चलो भाई। लेफ्ट साइड, हाँ लेफ्ट साइड, यही मुन्नो था। तो आप लोग मुझे बताओ कि अगर जो जो आप लोग पटना में रहते हो लोग, क्या आप यहाँ पे आए हो या नहीं, या कोई बाहर से इसी स्टेट से यहाँ तक यहाँ पे आए हो या नहीं, तो कमेंट में करके बताना ज़रूर। अगर वीडियो देख रहे हो तो, अगर नहीं अच्छा लगे वीडियो तो डिसलाइक कर देना, अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना। तो अंकल आंटी हटी है, तो अभी वो देखो ट्रेन जा रही है अभी। तो जो आप पुल देख रहे हो, तो नीचे साइड में पहले ट्रेन चलता है और ऊपर साइड में बाइक व्हीकल चलता है, जितना भी कार और सब है ऊपर साइड में चलता है। वहाँ पे हम इंसान के लिए रेलिंग भी है बना हुआ जाने के लिए। तो मेरे लेफ्ट साइड में तरबूज का खेती भी हो रहा है जस्ट इधर, तो यहाँ पे होते रहता है हमेशा, हर साल का यही है। और उधर पानी कम हो चुका है, नहीं तो पहले बहुत ज़्यादा पानी था यहाँ पे, भरा पड़ा था। और ये जो मेरे राइट साइड में पत्थर रखा गया है, अभी रोड बनेगा यहाँ पे, और भी रोड बनेगा शायद, तो शायद इसलिए रखा गया होगा, एग्जैक्ट नहीं पता क्यों रखा गया है। तो हम लोग आ चुके हैं लोकेशन पे, तो अब चलते हैं ऊपर, चलेंगे ऊपर भी दिखाते हैं आपको क्या है, क्या सीन है जहाँ से रेल गुजरती है ट्रेन। तो पहले मोबाइल खोल लेते हैं, खुल जा भाई। तो वहाँ ऊपर मेरे दोस्त हैं, तो उन्हीं के पास चलते हैं। और एक और चीज़ आप लोग बताना ज़रूर कि मेरा कैमरा का क्वालिटी कैसा है, आपसे एक बार पूछना भी तो बनता है ना, तो बता देना आप लोग कमेंट में कैसा है। अभी ऊपर जा रहे हैं हम, चल भाई चल, बहुत ही ऊँचा है यार। ये क्या है, इसमें पानी जाता है क्या? तो हम लोग ऊपर पहुंच चुके हैं भाई साहब, तो ये आ गए हम ऊपर। वो इतना मस्त लग रहा है यार यहाँ से देखने में, वहाँ से भी ट्रेन गया था यार, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, रिकॉर्ड कर लेता तो अच्छा रहता, कुछ सिनेमेटिक वीडियो भी मिल जाता तो शायद इस ब्लॉग में डाल देता। लेकिन चलो कोई बात नहीं, ट्रेन तो चला गया, आगे चलते हैं भाई। बहुत ही ऊँचा है यार, तो ये देखो भाई, यहाँ से व्यू देखते हैं एक बार। वाह, बहुत ही मस्त लग रहा है यार यहाँ से। क्या हुआ बोलो, जाओ नीचे, जगह ला ट्रेन आया करो। ट्रेन का रिकॉर्ड किया ना, ब्लॉग में डाले। अरे उससे नहीं था, उससे सोचे कि साला जल्दी आएगा, हम भी रिकॉर्ड करें, सब पहुंच ही नहीं पाए, जब निकल गया। इतनी मंडी करा था वहां से।
दौड़ते है जरा वहां से दौड़ते हुआ नीचे से दौड़ते हुआ क्या मस्त देख रहा है क्वालिटी ऐसी खा जी तू के तो सही रहता है फोर के करता फोर के में गिजी भी कर रहा है ओ भाई साहब सब दिखा रहे हैं कि बोलेंगे हम नहीं आएंगे ये बार बार थोड़ी ना पाएंगे यार ना कह रहे कि ट्रेन में रिकॉर्ड किया है ताकि ब्लॉग में डाल सकते हैं ना कम से कम मेरे साथ फेस के साथ देख लो अब तो क्या हुआ था फेस के साथ ही डाल देंगे तुम्हारा हम इसी के लिए रुके हुए हैं कि मतलब ट्रेन आएगा फेस के साथ चाहिए तो लेना कोई दिक्कत नहीं रखते स्लोमो रिकॉर्ड किया कि नहीं आईफोन से अरे देखो आईफोन से मस्त आ रहा है ना स्लोमो ट्रेन स्लो हो रहा है तो गाइस वीडियो कैसा लगा जानता हूँ कोई अच्छा वीडियो नहीं है फिर भी ऐसे ही मैंने बना दिया क्योंकि मुझे अच्छा लगा मुझे मैं सोच रहा था कि अगर यहाँ का वीडियो बनाते हैं तो अच्छा लगेगा देखने में व्यू भी अच्छा है तो सोचा कि एक वीडियो बना लेते हैं तो हम लोग उसको इग्नोर करना हम लोग जो अपने में बात कर रहे थे थोड़ा अपना लैंग्वेज में बात कर रहे थे हम लोग ठीक है तो अभी के लिए बस इतना ही थैंक यू चलो कल के लिए मिल गया